ये भी कोई खेल है।
छोटे मोटे जख्म क्या, बड़े बड़े नासूर देखे हैं हमने। इस मामूली से जख्म से डर कर बैठ जाए क्या? जिंदगी देने और लेने वाला अल्लाह ही है सुलेमान शाह। यकीनन आपके जैसा बहादुर सरदार ऐसे जख्मों से खौफजदा नहीं हो सकता, लेकिन तकदीर अल्लाह की आजमाइश है तो तकदीर बंदे की काविश, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो फरमाइए क्या करना होगा मुद्रा? आपके लिए हर शाफी सिंह का वर्द करके जड़ी बूटी से दवा तैयार करता हूँ, आपकी तकलीफ में भी कमी होगी इंशाल्लाह। लेकिन न बीवी से और न मुझसे छुपाएंगे अगर तकलीफ कम ना हुई, ठीक है? मामूली स्तर भी हुआ तो उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ सफर न करें अभी। आपके बेटों का नाम सलीम महल से निकलकर अयूबी महल तक और पापा आजम से शहंशाह फ्रेडरिक तक हर जगह जाना चाहता है, ये आपकी बहुत अच्छी नुमाइंदगी कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन कुर्दोगलों जैसे बदबख्त गद्दार दूसरे कबीलों में भी होंगे यकीनन। इस अजीम इस्लामी इत्तेहाद की खातिर जर्रा बराबर भी कुछ कर सकूं अगर मैं, तो हजार बार भी मौत गवारा है इस्लाम। शुक्रिया। I know, I know.
समझते हैं भाई खुशी को।
सरदार सुलेमान शाह से मिलने आए हैं।
सकता हूँ बाबा। हाँ हाँ आ जाओ अंदर। आपने बुलवाया था बाबा? हाँ बैठो बेटा। तुमसे शहनाज के बारे में बात करना चाहता हूँ। शहनाज, जब अपने सारे गुनाहों का इकरार कर रही थी तो उस वक्त तुमने कहा सब खत्म हो गया बस, हत्ता के तलाक भी देना चाहते थे। फिर तुमने ये कहकर के कुछ समझ में नहीं आ रहा वक्त मांगा मुझसे, लेकिन अब काफी वक्त गुजर चुका है, अब तो सोच लिया होगा क्या करना है फुर्सत। बाबा, अम्मी, खेमे में शहनाज को दो बार तलाक दे दी थी मैंने, लेकिन जब तीसरी तलाक देने वाला था वो खंजर निकाल कर अपनी गर्दन पर रख लिया और इल्तिजा करने लगी कि मुझे मार दो। वो एक लम्हे में खुद को मार लेगी अगर तलाक दी मैंने तो। अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अबे कोई तो फैसला करना होगा तुम्हें। आप बताएं क्या करूं मैं। शहनाज ने तौबा करके सुधर जाने की नियत जाहिर की है, उसे एक आखिरी मौका देना चाहिए मैं समझता हूँ। Thank you.
ہمیشہ راہ دکھاتے رہے. میرے تاریک لمحوں کو روشن کیا آپ نے ہمیشہ. جب میں مایوسی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا تو آپ امید بن کر چمکے. خوشی ہے کہ آپ ہی کے سائے میں یہ خوشی مل رہی ہے. اللہ بہت خوش ہے دکھائے تمہیں. تمہارا اس قبیلے کو اور داخت کو اپنی نعتوں اور قوم کو اور ملت کو تاریخ میں عمر کر دو. تم دونوں کی محبت کے ثمر کو اس جہاں کو مہکا دے. بہت شکریہ. تمہارا نکاح پڑھانے کے بعد فجر کی نماز کے فوراً بعد میں روانہ ہو جاؤں گا فرزند. انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات نصیب ہوا ہمیں. انشاءاللہ جلد ملیں گے یقیناً. اگر روانگی ہے تو وہ امانت لا دوں آپ کو. وہ امانت نہیں ہے اب تمہارے لیے ارتحال. امانت کو اپنا مالک مل گیا. اللہ نے ایسی انمول نعمت عطا کر دی ہے کہ عمر بھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا.